हरेक का काम परखेगी। मुझे बताइए आज की तारीख में काम के ऊपर दबाव देने वाला एक भारत के अंदर में प्रचारक बता दीजिएगा जो विश्वास से ऊपर सोचने की बात कर रहा है। मुझे भारत के अंदर में एक प्रचारक बता दीजिएगा जो काम को दबाव दे रहा है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। इंट्रोड्यूस मी व्हाई, क्योंकि अंधकार की सत्ता ने हमारे दिमाग से काम की चिपी चोरी कर ली है, जिससे कि काम के ऊपर विश्वास का जहाज इस संसार रूपी समुद्र में डूब गया है। आज लोग चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, गाना गाते हैं, बैठे रहते हैं और बाहर निकलते बराबर मोबाइल खेलना शुरू कर देते हैं। कई बार तो हम जूम में देखते हैं, इधर हमारा मैसेज खत्म हुआ कि लोग मोबाइल में खेल खूल शुरू कर देते हैं, तब हमें मजबूरन डांटना पड़ता है। जी हाँ, जबकि कलीसिया में आराधना के बाद किसी प्रकार की कोई ज्यादा बातचीत नहीं होनी चाहिए बाहर में जाके गुटरगूं गुटरगूं करने की। जनरली जब चर्च समाप्त हो जाता है तो लोग घंटे आधे घंटे चर्च के सामने खड़े रहते हैं, अच्छा क्या खाए थे, क्या बनाए थे, चिट्ठी किया हुआ, और बहुत रकम रकम की बातें किया करते हैं। जबकि होना ऐसा चाहिए कि जैसे ही आराधना समाप्त हो जाती है, बिना मुंह से कोई बात खोले सीधे घर जा कर के इन सारे समयों में रास्ते भर जो प्रचार किया गया है उस पर चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। परमेश्वर के दास ने जो सुसमाचार सुनाया है उसको मेमोरी मोड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो प्रचार से आपको क्या मिला, क्योंकि घर जाते तक जो है हम सब भूल जाएंगे। इसलिए ज्यादा बहस नहीं करना बाहर खड़े होके। यदि आप फिर मोबाइल से लग गए तो आपने जो सुना था, मोबाइल कहेगा ये फाइल को रद्दी में डाल, उसके ऊपर में दूसरी फाइल जमाए देता हूं और सुन, इसके बाद में चिंतन करने का नहीं, पादरी आज क्या बोला था। इसलिए कलीसिया में आराधना के पश्चात गंभीरता से अपने घर जाने का रास्ता चुने और बेफिजूल की बातें ना करें, वरन जो सुना गया था वन बाय वन अपने दिमाग को रिमाइंडर दें, जिससे कि वह मेमोरी मोड में बदल जाए, तब जाकर के वचन आपकी जिंदगी में जर पकड़ेगा। अन्यथा मोबाइल की फाइल आपके जीवन को जो सुना था वह बेकार कर देगी, डस्टबिन में चला जाएगा। इस सलाह को मानने से आपका भला होगा, मेरा नुकसान नहीं। सो बाइबल का परमेश्वर कहता है कि घास काट और पूस जो आग में जल जाते हैं, हर एक का काम परखा जाएगा। यदि सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर की तरह हमारे काम हैं, तो वह आग में और शुद्ध होंगे। यदि काट और घास और पूस के रद्दे हमने अपनी जिंदगी के अंदर में रखे हैं, तो आग उसे जला देगी। आग जो है काम पर रखने का काम करेगी। कभी आपने काम के बारे में सुना, या कोई विश्वास और अनुग्रह का प्रचारक, काम भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक चीज है, उस पर दबाव दिया क्या? आज काम की चोरी हो गई हमारे विश्वास से। इसलिए हम नाम के विश्वासी हैं और विश्वास के विश्वासी हैं, काम के विश्वासी नहीं रह गए। जबकि मेरा प्रभु जब आएगा अपनी अग्नि के साथ, तो वह सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को प्रतिफल देगा और काठ और घास और पूस को बदला देगा। समझ गए तो ठीक, नहीं इंतजार कीजिएगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है दुष्टों की युक्ति सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर और काठ और घास और पूस के कामों के विद्रोह में काम कर रही हैं, जिससे कि आपको सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थरों की रियलिटी अपने जीवन में समाप्त हो जाए और आप घास और काट और पूस के रद्दों वाले जिंदगी को लगातार जीते रहें, जिससे कि परमेश्वर जब अपने पुत्र यीशु को धरती पर भेजेगा तो उसकी आग आके आपके जीवन को जला रखे। आपको क्या लगता है आपका विश्वास सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के मामले में आज भी संसार रूपी समुद्र के ऊपर आपका विश्वास रूपी जहाज इन विषयों में तैर रहा है, या वो डूब गया? इसी आधार पर सुखलोक है और इसी घास पूस और काठ के आधार पर ही जो जलेगा वो हमेशा के लिए जलेगा, जिसके काम जल जाएंगे वो हानि उठाएगा।
जिसने अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा की अग्नि में जलने वाले कामों को जी करके जिया है, वह अमर काल तक धनवान के साथ जलेगा। और जिसने सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के आचरण को अपनाकर पवित्र आत्मा की अग्नि में जलने के बजाय और शुद्ध होने वाले रास्ते का चुनाव किया है, वह दूसरे डाकू के समान कि आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। जी हां, वहां प्रवेश की तैयारी। यदि आपको मालूम होता कि दूसरे डाकू ने जिस जीवन की कल्पना की जो मृत्यु के बाद है, तो आप वहां जाने के लिए अवेयरनेस पैदा करते। और जब आपको वहां जाने की इच्छा होती तो वहां जाने के लिए क्या करना है, ये दूसरा सब्जेक्ट आता। तब आप वहां तैयारी करते, जलने वाले कामों को अपने जीवन से त्यागते और न जलने वाले काम सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थर के समान वाले कामों को अपनाते। परंतु हमारे आंखों के सामने उसने मृत्यु के बाद वाला जीवन जो अधलोक में है और सुखलोक में है, इस वाली कहानी से हमारी आंखों को अंधा कर दिया, जिससे कि हम इन दोनों मामलों में जागृत नहीं है। और एक बार अधलोक चले गए तो वहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। धनवान की कहानी में आपने सुन ही लिया था कि तुम्हारे और हमारे बीच में कैसा भारी गढ़ा है जो कभी भी भरा नहीं जा सकता, और यदि भरना है तो मृत्यु के पहले ही भर लेना होगा, बाद में नहीं। न यहां से वहां कोई आ सकता है और ना यहां से वहां कोई जा सकता है पानी की बॉटल लेकर के। बी केयरफुल, इससे पहले कि मृत्यु आ जाए, आपका जो वाला जहाज डूब गया है कि हमें सुखलोक में प्रवेश करना है, इस सोई आत्मा को जगाएं। नहीं तो अधलोक जाने के लिए कुछ करना नहीं है, आपको ऑलरेडी रिजर्व्ड है। यदि आपको अधलोक से बचना है तो सुखलोक में प्रवेश करने की तैयारी करनी होगी। और वो तैयारी ये है कि हम घास और काठ और फूस के रद्दों को अपनी जिंदगी से दूर करने और सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे अपने यीशु मसीह नामक विश्वास की नींव पर रखना शुरू करें। और यदि आप सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे नहीं रख रहे हैं, तो इस विषय के विश्वास के वचन को हमारे जीवन से शैतान की युक्ति ने चोरी कर लिया, जिससे कि आप अधलोक में सुनिश्चित जाएं कि मैं तुमसे सुखलोक का सुख छीन लूं। या आप पहले डाकू के समान हैं या दूसरे डाकू के समान, आज कलीसिया इस संसार के समान, इस पहले डाकू के समान केवल रोटी कपड़ा और मकान और आवश्यकताओं को आधार बना के प्रभु की आराधना कर रही है, या फिर आप दूसरे डाकू के समान अपने किए की सच्चाई समझ रहे हैं, यीशु की निर्दोषिता समझ रहे हैं, यीशु के उस राज्य की सच्चाई जानते हैं। क्या आप उस राज्य की सच्चाई जान करके यीशु से ये प्रार्थना करेंगे, ये प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। परमेश्वर मन की आंखें खोले। आज कितने करोड़ों लोग हैं जो दुष्ट की युक्तियों में उलझे हुए हैं। नहीं तो आप सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर का जीवन अपने विश्वास की नींव पर यदि जीना शुरू कर देते तो लाजर के समान अनंत लाजर के समान सुखलोक का रिजर्वेशन आपके लिए कन्फर्म हो जाता। परंतु आज किसी ने हमसे यह धन चोरी कर लिया।